হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম অগেন। মানে সুনীল গোস্বামী, টার্গেট উইথ গোস্বামী ইউটিউব চ্যানেল মে আপনার ফির সে স্বাগত করতে হুম। আজ কাজ হমারা 2 ফরবরি 2018 কাজ করেন্ট অফেয়ার্স কাজ আপডেটস ভিডিও হ্যাঁ ডিসকস করেন এসে যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন বনেঙ্গে ওর করেন্ট অফেয়ার কাজ PDF ফাইল হ্যাঁ ডিসক্রিপশন বক্স মে মিল যায়গা, তো ওয়াঁসে আপ জুড় সকতে হ্যাঁ। ইনস্টাগ্রাম টেলিগ্রাম সে হোয়াটসঅ্যাপ সে জুড় সকতে হ্যাঁ। और फेसबुक से जुड़ने के लिए आप फेसबुक पे जाके टारगेट विद गोस्वामी सर्च करेंगे तो वहाँ से आप पेज मिलेगा, वहाँ से आप क्लिक करके जुड़ जाएं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम टॉपिक पे आते हैं। देखिए, विश्व वेटलैंड्स दिवस 2 फरवरी 2018 को मनाया गया है। विश्व वेटलैंड्स दिवस है वो 2 फरवरी 2018 को। तो इसका जो विषय है वो क्या रहा है, सोहनीय शहरी भविष्य हेतु जो वेटलैंड्स फॉर सुटेबल अर्बन फ्यूचर। तो ये शहरी भविष्य हेतु मतलब इसको मनाया गया है वेटलैंड्स को जो दिवस है 2 फरवरी 2018 को। नेक्स्ट देखिए, ऑपरेशन ग्रीन। आलू प्याज टमाटर उत्पादकों और उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर मिल्स के इसके लिए ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत की गई है। इसके लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो ऑपरेशन ग्रीन के लिए अगला देखिए, जो अरगाबाद समझौता है ईरान ओमान जो तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और ट्रांजिस्टर कॉरिडोर की स्थापना हेतु भारत ने ये समझौता किया है जो सॉरी असगाबाद समझौता है, असगाबाद समझौता में शामिल होंगे। तो ईरान ओमान जो तुर्कमेनिस्तान है निस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है, असगाबाद एग्रीमेंट है ये। अगला देखिए, साहित्य अकादमी भाषा सम्मान। तो साहित्य अकादमी भाषा सम्मान है जो मगधी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार शेष आनंद मधुकर को 1 फरवरी 2018 को साहित्य अकादमी भाषा सम्मान से सम्मानित किया गया है। शेष आनंद को मधुकर को 2016 के लिए पुरस्कार दिया गया है। इंडियन ओपन बॉक्सिंग चैंपियनशिप, देखिए त्यागराज इंडोर स्टेडियम जो मैरीकॉम है मैक्सिको में भारत, इसने गोल्ड स्वर्ण पदक जीता है। और जोशी गाबू का जो फिलीपींस की इसके साथ हुआ था, तो इंडियन ओपन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जो मैरी कॉम है उसने गोल्ड मेडल जीता है। किसको हरा के, जोशी गाबुका को। चैंपियनशिप में भारत ने 10 गोल्ड मेडल जीते हैं इसमें। रवांडा अपने देश के सभी नागरिकों को आई केयर प्रदान करने वाला पहला गरीब देश बन गया है रवांडा, आई केयर। सातवां भारत ऊर्जा महासम्मेलन, देखिए आयोजन नई दिल्ली में हो रहा है। सातवां भारत ऊर्जा सम्मेलन का विषय है एनर्जी 4.0 एनर्जी ट्रांजिशन टुवर्ड्स 2030 तक के लिए, 2030 के लिए। और द गवर्नेंस ऑफ चाइना, ये किताब किसने लिखी है, सी जिनपिंग ने, द गवर्नेंस ऑफ चाइना। तो आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो विश्व वेटलैंड्स दिवस है वो 2 फरवरी 2018 को मनाया गया। ऑपरेशन ग्रीन है आलू प्याज टमाटर उत्पादों को उपभोक्ता उचित मूल्य पर प्रदान हो इसलिए ऑपरेशन ग्रीन शुरू किया गया है। 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। जो असगाबाद में एग्रीमेंट है ईरान ओमान तुर्कमेनिस्तान उज्बेकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय परिवहन ट्रांजिशन कॉरिडोर की स्थापना है तो भारत यह एग्रीमेंट में शामिल हो गया। साहित्य अकादमी भाषा सम्मान है मगधी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार है शेष आनंद मधुकर को 1 फरवरी 2018 को दिया गया है। इंडियन ओपन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मैरीकॉम ने गोल्ड मेडल जीता है और चैंपियनशिप में भारत ने 10 गोल्ड जीते हैं। रवांडा अपने देश के सभी नागरिकों को आई केयर प्रदान वाला पहला गरीब देश बन गया है रवांडा। और सातवां ऊर्जा सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया, इसका जो विषय है वो एनर्जी 4.0 एनर्जी ट्रांजिशन टुवर्ड्स 2030 तक, द गवर्नेंस ऑफ चाइना, एक किताब के लेखक शी जिनपिंग। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।